नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैम सो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 दिन पहले यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें कुछ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के भी पूछे गए थे, तो आज हम उन्हीं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन देकर उनका कंप्लीट डिस्कशन जो है आपके साथ करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में या आपका आगे अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा उनमें ये आपको एक हेल्प कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि सभी एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो इस चीज़ को समझिए यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसको समझने के लिए जल्दी से आप सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हम यहाँ पर ऐड कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस, कि आपका ऐसा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है जिसके द्वारा मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस हो रही है वो रिलीज हो रही है। तो इस चीज को हमें बताने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पर मिथेन गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, वो ज्यादातर जो आपके वेटलैंड होते हैं, फील्ड होता है एग्रीकल्चर, उसके अलावा लाइव स्टॉक से, इन सभी से ये गैसेस जो होती है वो निकलती है। लेकिन फील्ड में अगर राइस की फील्ड की बात करें, तो राइस का फील्ड आपका एक वेटलैंड फील्ड होता है, और आप सब लोग जानते हैं कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो उसमें से मिथेन गैस ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन अगर आपकी सोयल के अंदर आप लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उस केस में वहां पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होगी वो ज्यादा रिलीज होगी। मैंने क्या बोला, अगर आपका फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में हमने क्या देखा कि अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर फील्ड में ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर आपका जो है मिथेन गैस जो होगी वो ज्यादा रिलीज होगी। लेकिन जिस फील्ड में ज्यादातर आप लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हो, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होगी वो ज्यादा रिलीज होगी। ये आपको यहां पर समझना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉटन, शुगर केन और वीट, इन सभी में से ये गैस इतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती है अंटिल द कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, लॉन्ग टाइम तक वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन है। लेकिन यहां पर राइस के फील्ड में आप सब लोग जानते हैं कि एक पडल्ड कंडीशन के अंदर, आपकी वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन के अंदर राइस को ग्रो करवाया जाता है ना। तो ये इसीलिए यहां पर इस फील्ड में से क्या होता है, आपका मिथेन और जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस दोनों ही रिलीज होती है, और दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, तो इस चीज को हमें यहां से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, राइस। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से पढ़िएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस्ड रिजल्ट इन, आपका जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है जिसको आप SRI मेथड के द्वारा जानते हो राइस का कल्टीवेशन के लिए, उस मेथड का हम बोलते हैं कि ये अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग मेथड होता है राइस के फील्ड के अंदर राइस को ग्रो करवाने के लिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इससे क्या क्या होगा, रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस्ड मिथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ये 3 बातें बोली गई है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी टर्म यहां पर बिल्कुल सही है। पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि SRI मेथड आपका क्या होता है। देखिए, SRI मेथड जो है वो आपका मेडागास्कर के अंदर 1980 में इसको रिलीज किया गया था, या इसको जो है आपका लाया गया था 1980 के अंदर, कहां आपका मेडागास्कर। और उसके बाद इसको जो है आपका इंडिया के अंदर सबसे पहले आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, आंध्र प्रदेश के अंदर इसको कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में लाया गया था। उसके बाद इस मेथड के अंदर होता क्या है, इसमें एक्चुअल में एक सिंगल मेथड नहीं होता, ये एक प्रकार से बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस होता है, जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि आपका लो वाटर यूज करके, लो इनपुट को यूज करके मैक्सिमाइज किया जाए प्रोडक्शन को, और वही हमारा यहां पर क्या है, SRI मेथड है। SRI मेथड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी जो प्लांट
प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है वो इंक्रीज की जाती है, और इसी के साथ इसमें जो इंटरकल्चरल आपकी प्रैक्टिस होती है वो इजी हो जाती है। मैंने क्या बोला, जो आपका इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है यानी कि वीड को रिमूव करना है वो इजी हो जाता है। नॉर्मल जो आपका कन्वेंशनल मेथड होता था उसमें जो स्पेसिंग होती थी वो कितनी थी, 15:10 सेंटीमीटर थी, लेकिन आपका एसआरआई मेथड के अंदर ये डिस्टेंस जो होती है या ये जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, 25:25 होती है। इसी के साथ इसका जो सीड रेट होता है वो आपका कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में काफी कम होता है। कन्वेंशनल में जहां पर आपका 20 किलोग्राम पर एकड़ की सीड की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पर इसमें आपका 2 किलोग्राम पर एकड़ सीड की रिक्वायरमेंट होती है। ये हम कह सकते हैं कि यहां पर सीड रेट काफी लो रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसआरआई मेथड है इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो प्लांट है, जो आपकी सीडलिंग है, वो पर हिल, यहां पर आपके अगर हम 3 से 4 प्लांट पर हिल जो है एक होल के अंदर प्लेस करते थे, लेकिन यहां पर 1 प्लांट पर हिल जो है आपका एस्टेब्लिश किया जाता है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जब आपके यहां पर नंबर ऑफ प्लांट भी फील्ड में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन यहां पर आपके नंबर ऑफ प्लांट भी आपके फील्ड में क्या होंगे, कम होंगे। यहां पर अप्रोक्सीमेटली 7,92,000 के समथिंग जाएंगे, लेकिन यहां पर आपके 64,000 या 66,000 के समथिंग आपके टोटल प्लांट होंगे फील्ड में। और दूसरी बात अगर हम देखें यहां पर, तो आपका जो एसआरआई मेथड होता है इसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होता है, यानी कि कंप्लीट कंटीन्यूअस इनिडेशन जो होगा वो आपका वाटर का नहीं किया जाएगा। अब इसको समझने की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए एक मिथ बोला जाता है, बार बार हम लोग बोलते हैं कि राइस जो है वो एक एक्वेटिक प्लांट है। क्या आप सब लोग मानते हैं कि राइस एक एक्वेटिक प्लांट है? नहीं, राइस एक एक्वेटिक प्लांट नहीं है, ये आपका वाटर के अंदर विदस्टैंडिंग क्रॉप है, जो कि आपका इसको भी एक लगातार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी एरोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इसको एरोबिक कंडीशन नहीं मिली तो ये क्रॉप आपकी फेल हो सकती है, लेकिन यहां पर ये एक वाटर आपका टॉलरेंट क्रॉप है और लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर स्टैग्नेंट रह सकती है और उसी में आपकी ग्रो करवाई जाती है। लेकिन इसमें आपका होता क्या है, एक्चुअल के अंदर इसके अंदर मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है इसको समझिएगा। जब हमारा प्लांट राइस का फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस समय अगर वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन है तो इसको एक स्ट्रगल करना पड़ता है, वहां पर इसको एयर पॉकेट्स को डेवलप करना पड़ता है। व्हाट डू यू मीन बाय एयर पॉकेट्स? आपको याद होगा एक क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था जो MPRAU के अंदर आई थिंक सो आया था। क्वेश्चन आया था कि कौन सा हार्मोन है जो कि वाटर लॉगिंग स्ट्रेस सिचुएशन में आपका इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। तो हमने आंसर किया था कि सर इथाइलिन जो है वो इसके लिए राइट आंसर होता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमने बोला था कि जो इथाइलिन है वो आपकी वाटर लॉगिंग स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर प्लांट के जो आपका स्टेम का बिल्कुल जो पास का पोर्शन होता है, जो ग्राउंड के पास का पोर्शन, वहां से रूट को इमर्ज आउट करता है, और वो रूट इमर्ज आउट जो होती है वो एरेनकाइमा टिश्यू के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। किसके द्वारा? एरेनकाइमा टिश्यू के द्वारा। और ये एरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं उनको डेवलप करने में कौन हेल्प करता है? आपका जो है यहां पर इथाइलिन हेल्प करता है। तो उसी प्रकार से ये जो एयर पॉकेट होते हैं वो यही आपके एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, जो कि वहां पर रूट डेवलप करने में आपके हेल्प करते हैं प्लांट को ऑक्सीजन को लेने में। इसीलिए ये आपका एक एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर राइस के प्लांट को जनरेट करना पड़ता है उस कंडीशन में। लेकिन अगर हम लोग लगातार कंटिन्यू उसको कंटिन्यूअस इरिगेशन देते हैं और उसको आपका फील्ड को एक अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन में रखते हैं तो प्लांट आपका अच्छे से सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसमें एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो हम बोलते हैं कि वीड, है ना। तो आपका वीड का अटैक उस क्रॉप के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, और उसी के वीड के अटैक को कम करने के लिए हम लोग इसमें प्रेफर करते हैं आपका इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर स्पेसिंग ज्यादा होती है, इसलिए हम वहां पर आपके मैन्युअली जो है वीड को रिमूव कर सकते हैं। तो वो आपका एक बेटर ऑप्शन यहां पर आपका माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये बातें समझ में आई होंगी और उससे हमें पता चला होगा कि हमारा सीड रेट भी इसमें रिक्वायरमेंट कम हुई, और इसी के साथ अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं रहेगी तो डेफिनेटली मिथेन का प्रोडक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें रिड्यूस हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, क्योंकि वाटर को अगर प्रोवाइड करवाना है तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ
किसके द्वारा, जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका वाटर के द्वारा ही, वाटर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही पॉसिबल कर पाते हैं, जब हम उसको ग्राउंड वाटर आपका जो वेल से या फिर समर्सिबल पंप से जो वाटर दे रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो आपका कंजप्शन भी क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। इसलिए तीनों ऑप्शन 1, 2, 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। अभी एक बच्चे ने लिखा, राहुल ने, कि सर 5 किलोग्राम सीड डालते हैं। बेटा अगर आप सुनोगे अच्छे से तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये 5 किलोग्राम ही है। कैसे, देखिए मैंने यहां पर लिखा है 2 किलोग्राम पर एकड़, तो आई थिंक सो जहां तक मुझे पता है 1 हेक्टेयर के अंदर कितने होते हैं, 2.5 एकड़ होते हैं। अब लगाइए जरा इसको, आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, तो आंसर आपका 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर ही निकल कर आएगा। ठीक है, इस चीज को जरूर देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, यहां पर आपका आंसर मैंने क्या बोला कि ये तीनों आपके क्या हैं, राइट आंसर हैं। तो यहां पर एक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपके लिए है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है मेडागास्कर के अंदर 1980 के अंदर आपका डेवलप किया गया था, और आंध्र प्रदेश में इसको प्राइमरली जो है आपका पहले लाया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इसके अंदर लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेस एक्सपेंडिचर आपका होता है, और आपका मोर यील्ड ये प्रोवाइड करवाता है। अर्ली ट्रांसप्लांटिंग यानी कि इसमें कन्वेंशनल मेथड के कंपेरिजन में 8 से 10 दिन के अंदर ही क्या कर दी जाती है, आपकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है विद 2 लीफ, या ना आपके जो यंग लीफ होते हैं। वाइडर प्लांटिंग है डेफिनेटली, मैंने अभी बताया 25:25 स्पेसिंग है। इंटरमिटेंट इरिगेशन मतलब कंटीन्यूअस इरिगेशन, इरिगेशन आफ्टर इरिगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंटली कल्टीवेटेड विद वीडर टू एरेट द सोइल। अभी आपको बताया कि आपका वीडर यानी कि जो आपका मैनुअली जो है हम लोग वीड को रिमूव कर सकते हैं। SRI इज अमलगेशन ऑफ मल्टीपल बेनिफिशियल प्रैक्टिस, इसके अंदर हम कई बेनिफिशियल प्रैक्टिस को एड ऑन करके और इस मेथड को हमने क्या किया है, ओरिजिनेट किया है या फिर आपका इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया था पैडी के फील्ड के अंदर क्या होता है, तो मैंने बताया कि ये सरवाइव कर सकता है वाटर के अंदर बट डज नॉट थ्राइव अंडर द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। जब ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो उस केस में वहां पर आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और रिड्यूस ऑक्सीजन कंडीशन में हम उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन। पैडी प्लांट जो है वो आपका क्या करता है, एयर पॉकेट डेवलप करने में आपका यहां पर जो है, जब कंटीन्यूअस इनुडेशन यानी कि जब आपका फ्लडेड कंडीशन होती है फील्ड के अंदर, उस समय वो रूट को जनरेट करने में काफी फोर्स इसे लगाना पड़ता है। और नेक्स्ट है 70% ऑफ राइस टिप्स गेट डीजनरेटेड बाय फ्लावरिंग पीरियड, यानी कि मोस्ट ऑफ जो आपकी वहां पर रूट डेवलप हुई होती है इस प्रकार से, वो सारी की सारी 70% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है टिल द फ्लावरिंग टाइम। नेक्स्ट आपका है SRI और कन्वेंशनल मेथड के कंपैरिजन में हमने बात की है यहाँ पर कि सीड रेट इसमें कितना रिक्वायरमेंट है और आपका स्पेसिंग क्या है, उसके अलावा नंबर ऑफ प्लांट पर आपके स्क्वायर मीटर, नंबर ऑफ सीडलिंग पर हिल, एंड देयर आफ्टर नंबर ऑफ प्लांट पर एकड़, ये आपका यहाँ पर डेटा जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, इसको आप चाहे लिख सकते हैं या फिर आपका जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू गुची, समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुची, गुची क्या है आप सब लोग जानते हो, गुची एक ब्रांड है वो तो ठीक है, लेकिन गुची यहां पर जो है आपका क्या है, एक मशरूम भी है ना, और ये मशरूम यानी कि आपकी फंगस है डेफिनेटली। तो सबसे पहले ये तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या होता है, क्लियर होता है, और यही पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है इट ग्रो इन द सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि गुची जो मशरूम है वो एक प्रकार से कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट इसको नहीं किया जाता, लेकिन इसको जो है आपके ये जो लो टेम्परेचर एरिया है, हिमालय की फुटहिल्स हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है आपका, हिमाचल है या फिर आपका उत्तराखंड है, उन रीजन में इसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, या फिर उन रीजन में ये ग्रो आपकी होती है, तो वहां पर आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट इज कमर्शियली कल्टीवेटेड इन हिमालयन फुटहिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखिए जैसे ये वर्ड बोला कि कमर्शियल कल्टीवेशन, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसको कमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है, चाहे कोई भी रीजन आप लोग यहां पर बोलोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये कमर्शियली कल्टीवेटेड जो है वो नहीं किया जा रहा है, तो ये तो आपका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर 1 और 2 ये आपके क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ये गुची जो है वो क्या होता है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके क्या हो सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि आपका जो गुची है वो एक मशरूम है, और जिस प्रकार से हमारे इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी क्रॉप है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मैंगो के अंदर आपकी एक वैरायटी है अल्फांसो,
अल्फांसो वैरायटी काफ़ी कॉस्टलियर है आपके मैंगो की सभी वैरायटीज में से अगर हम बात करें तो अल्फांसो काफ़ी महंगी वैरायटी है। इंडिया के अंदर तो बहुत कम जगह पर ये अवेलेबल भी हो पाती है। उसी प्रकार से दार्जिलिंग टी की बात करें तो वो भी आपके इंडिया में रेयरली अवेलेबल होती है। इसको डायरेक्टली जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है आपके जर्मनी वगैरह में। और उसी प्रकार से जैसे कांगड़ा टी है या फिर आपके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के, जो आपके काफ़ी एक पर्टिकुलर एक स्टेट से या पर्टिकुलर प्लेस से काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी आपके उनके बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको इंडिया के अंदर बहुत रेयरली वो अवेलेबल हो पाते हैं। उसी प्रकार से जो मशरूम, ये आपकी जो गुची मशरूम है ये भी काफी कॉस्टली है, बहुत महंगी है। और महंगी होने के साथ साथ हम यहाँ पर एक बात और बोलना चाहेंगे कि ये आपके कमर्शियली कल्टीवेट इसको नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर इसके टेक्सचर की बात की जा रही है तो स्पॉन्जी टेक्सचर है, स्वेरी फ्लेवर है और हनीबी लाइक कॉम्ब स्ट्रक्चर इसका जो होता है, और इसको मोरल मशरूम के नाम से भी जाना जा सकता है। तो आपसे कभी कोई पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशरूम इज ऑल्सो नोन एज मोरल मशरूम, तो आपको आंसर यहां पर हो सकता है। नेक्स्ट, आपको मैंने बताया कि इसको आपका ग्रो कहां ये हो रही है, तो आपके उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और ये आपका मिनरल्स, आयरन, कॉपर, विटामिन डी, इन सभी कंपाउंड्स में ये क्या होती है आपकी रिच होती है। और ये स्पेशल है बाकी मशरूम के कंपैरिजन में इसलिए क्योंकि इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी रेयर पाई जाने वाली है। इसी प्रकार से आपको पता होगा, देखो यार यहां पर इस चीज को अगर एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे तो आप जब भी इसके अंदर देखोगे यूपीएससी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी है ना साख है, और ये अपने आप में जब एग्जाम को सेट करता है तो डेफिनेटली यहां पर एक शो करता है कि किस प्रकार से एग्जाम को जो है बनाना चाहिए और इस प्रकार से कंपटीशन को कंपीट करवाकर और वहां पर एक पर्टिकुलर जो है हेल्दी कंपटीशन जनरेट करना चाहिए। तो वो काम इन लोगों ने किया है। यहां पर ही हमें अच्छे से पता चलता है कि आपका एग्जाम का लेवल क्या होता है। इन लोगों ने वही चीजें उठाई हैं जो इंपॉर्टेंट है। आगे फिर एक क्वेश्चन है जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर पूछा जा रहा है कि कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बर्ड, इनमें से कौन सा है जो एक बर्ड नहीं है। देखिए, गोल्डन महसीर, इंडियन नाइटजर या स्पूनबिल या वाइट आइबिस, ये तीनों के तीनों हमारे यहां पर क्या है, बर्ड है, है ना। ये आपके तीनों क्या है, आपके बर्ड है। लेकिन गोल्डन महसीर, ये गोल्डन महसीर इन्होंने क्यों उठाया, क्योंकि रिसेंट ही इसको आपका IUCN के द्वारा रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूड किया गया है। और आप सब लोग जानते हैं कि गोल्डन महसीर जो है वो आपकी एक फिश की स्पीसीज है ना, किसकी, आपकी फिश की स्पीसीज है। और इसकी अगर बात करें तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो इसका कलर जो है वो आपकी गोल्डन कलर का है, जिसके नाम से इसको नाम दिया गया है। इसका साइंटिफिक नेम है टोर पिट्यूटरा। और इंडिया के अंदर आपकी अगर हम बात करते हैं मैसेर के बारे में तो उसमें से 15 स्पीसीज इंडिया के अंदर है आउट ऑफ टोटल 47 स्पीसीज में से, और ये केवल कोल्ड वाटर में ही अवेलेबल होती है। अभी प्रेजेंट टाइम में इनका स्पीसीज काफी एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, और एक्सटिंक्ट क्यों होता जा रहा है ये आपसे कभी पूछा जा सकता है। तो इसका एक चीज रीजन ये है कि इसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, काफी राइज हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि जब आपका हैबिटाट लॉस हो जाएगा तो सर्वाइवल रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले जो इनका ओवरऑल प्रोडक्शन मानते थे वो बोला जाता था कि मैक्सिमम 50 किलोग्राम वेट हो सकता है एक का, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 5 के करीब आ चुका है, 5 तक आ चुका है। तो वो भी एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। और ये जो आपका जीनस जो है वो टोर से बिलोंग करता है, इसको टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला, इसको टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको यहां पर याद होना चाहिए, क्योंकि देखो जब भी आप टाइगर ऑफ इंडियन रिवर्स सुनोगे तो एक अलग सा आपको लगेगा कि शायद किसके बारे में बात की जा रही है, लेकिन फिश के बारे में बात की जा रही है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आंसर करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लॉन्गेस्ट लिविंग फ्रेश वाटर फिश, और ये आपके माउंटेन या सब माउंटेन एनवायरनमेंट के अंदर ही अवेलेबल होती है, क्योंकि अभी बताया कि कोल्ड वाटर में ही आपकी अवेलेबल हो सकती है, वहीं पर आपकी ये ग्रो प्रॉपरली कर सकती है। तो इस चीज को आपको यहां पर समझना चाहिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके उठ के आ सकते हैं। नेक्स्ट, आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर हम देखें यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, इनमें से कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट आपके हैं। पहला आपका है अल्फा अल्फा, दूसरा आपका है एमरेंथस, तीसरा आपका है चिकपी, चौथा है क्लोवर, फिफ्थ आपका है पर्सलेन, कुल्फा, और सिक्स्थ आपका है स्पाइनेक। देखिए अल्फा अल्फा की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ल्यूसर्न है ना। इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो आपका मेडिकागोस्टाइवा, और ये इसकी फैमिली जो है वो क्या है, आपकी फैबेसी।
यानी कि लेग्यूमिनेसी फैमिली। और आप सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, है ना। अब लेग्यूमिनेसी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली वो प्लांट है जिनकी रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नोड्यूल्स क्या करते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के साथ सिम्बायोसिस जो है रिलेशनशिप में प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होती है जब प्लांट आपका उसको आपके फूड प्रोवाइड करवाएगा, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करवाएंगे। और ये हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, कुछ आपके ग्रेन की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, कुछ आपके ग्रेन यानी कि पल्सेस की फॉर्म में, और कुछ आपके यहाँ पर वेजिटेबल्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, कुछ आपके फोडर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, कुछ को आप लोग ट्रीज की फॉर्म में ग्रो करवाते हैं, और कुछ को ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में भी ग्रो करवाया जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर आपका है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट इनमें से कौन सा है। तो लेग्यूम प्लांट अगर होगा तो डेफिनेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट होगा, अदरवाइज हम लोग इसको देख लेंगे। तो एमरेंथस की अगर हम बात करें तो ये इसका जो फैमिली है वो एमरेंथेसी होती है, तो डेफिनेटली ये अभी आपका नहीं आएगा। चिकपी की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम आपका क्या होता है, यहां पर इसको आप लोग जो है ग्राम के नाम से जानते हो, या फिर बंगाल ग्राम भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिकपी का साइंटिफिक नेम सीसर एरिटनम है, और ये भी आपका एक लेग्यूमिनस प्लांट है, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, लेग्यूमिनस प्लांट हुआ। नेक्स्ट आपके क्लोवर की बात करें, देखिए क्लोवर जो है वो आपका कई प्रकार की, रेड क्लोवर, इजिप्टियन क्लोवर, जैसे कि इजिप्टियन क्लोवर ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम जो कि क्या है हमारा बरसीम, ये भी आपका क्लोवर क्या होते हैं, लेग्यूमिनस यानी कि फैबेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट है, और ये भी नाइट्रोजन क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। नेक्स्ट आपका है परसेलिन, परसेलिन यानी कि कुल्फा, ये अगर हम बात करें तो इसका जो पर्सिया से ये ओरिजिनेटेड है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो पार्चुलाका ओलेरेसिया इसका जो है साइंटिफिक नेम है, और पार्चुलेसी जो है ये फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बारे में बात करें तो ये आपका लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में जो है इसको यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आपका है स्पाइनेक, स्पाइनेक अगेन आपको पता है स्पाइनेक किससे बिलोंग करता है, फैमिली एमरेंथेसी से बिलोंग करता है। ये भी आपकी एक क्या है, लीफी वेजिटेबल है जिसको रो कंज्यूम किया जाता है, या फिर वेजिटेबल्स में भी इसको जो है आपका ग्रो करवाया, वेजिटेबल्स की फॉर्म में इसको जो है बाद में बनाया भी जाता है। लेकिन यहां पर आपके बिलोंग करने वाले तो चिकपी, एक क्लोवर और एक अल्फा अल्फा, ये तीन ही प्लांट है जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसलिए आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होगा, 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1 जो था वो आपका क्या था, राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको यहां पर आंसर मिल गया होगा, ये बिल्कुल सही आंसर है, और क्यों है ये भी मैंने बताया। इसके अलावा जो आपके यहां पर जितने भी प्लांट हैं जो कि लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको मैं यहां पर लेकर आया हूं, तो पल्स क्रॉप की फॉर्म में जो आपकी फूड ग्रेन्स हैं उनमें आपके चिकपी, लेंटिल, फील्ड पी, ग्रास पी, राजमा, ब्रॉड बीन, पीजन पी, मूंग बीन, उर्द बीन, काओ पी, मोट बीन, हॉर्स ग्राम और मूंग आपका राइस बीन, ये सारे और इनके साइंटिफिक नेम है। लेकिन यहां पर आपका एक प्लांट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, लेग्यूमिनस प्लांट है लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, वो क्या है आपका, राजमा। आप सब लोग जानते होंगे इसके बारे में, ये हमारा यहां पर क्या नहीं करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। बाकी सारे जितने भी प्लांट है आपके, ऑयल सीड क्रॉप आपकी सोयाबीन, पीनट, ये दोनों भी आपकी इसी प्रकार से है, उसी प्रकार से फॉरेज क्रॉप, इजिप्टियन क्लोवर, अल्फा अल्फा, है ना, स्वीट क्लोवर, वेचेस, ग्वार, ये सभी के सभी क्या है आपके, लेग्यूम प्लांट है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके जो सीड स्पाइसेस जैसे कि फेन्यूग्रीक की बात करें, वेजिटेबल क्रॉप, गार्डन पी, स्कैटलेट रनर बी, फ्रेंच बीन, स्वॉर्ड बीन, जैक बीन, फाबा बीन, लब लब या फिर विंग बीन। रूट क्रॉप है वो आपकी यामा बीन है, और ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जो कि आपका सनहेम, ससबीनिया एंड सबबुल, ये सारे के सारे। सबबुल जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, एक ट्री होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेग्यूम प्लांट आपको एग्जाम्पल मिल गए होंगे, इनको अच्छे से यहां से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो ताकि आने वाले किसी एग्जाम में अगर ये आपको आ जाए, क्योंकि यहां पर कई बार देखो एक लेग्यूम प्लांट है और एक पल्सेस प्लांट है, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्या होता है। देखो लेग्यूम प्लांट होता है वो एक कंप्लीट फैमिली है ना, आपके सारे के सारे जितने भी प्लांट है जिनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होता है और जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी को हम लेग्यूम प्लांट बोलते हैं। लेकिन इनमें से एक कैटेगरी आपकी अलग की गई जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका पल्सेस। पल्सेस वो आपके, देखो आप सब लोगों ने सुना होगा कि फूड ग्रेन, फूड ग्रेन केवल और केवल किसको बोला जाता है, आपके सीरियल्स को बोला जाता है, प्लस में आपका यहां पर जो है पल्सेस को बोला जाता है। ये दो ही आपके यहां पर, ना तो ऑयल सीड आपके फूड ग्रेन में आता है ना, ना बाकी कोई और कमर्शियल क्रॉप आती है, लेकिन इसके अंदर आपके सीरियल और पल्सेस जो होते हैं वो आपके फूड ग्रेन में आते हैं। और यहां पर पल्सेस जो है वो एज ए फूड ग्रेन की फॉर्म में जो ग्रेन आपके यूज किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका
पल्सेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखिए टी के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको वर्ल्ड टी के डे के दौरान मैंने काफी इसके बारे में इलेबरेट किया था, है ना, कहां कहां ये ग्रो करवाया जाता है वो भी बताया था। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो अगर हम बात करते हैं तो इनमें से सभी स्टेट, जितने भी आपके स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, तमिल, त्रिपुरा, है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आपका वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट टाइम में जो आपका वेस्ट बंगाल है उसमें सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग हुआ है, है ना। आसाम को भी इन्होंने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, ये आपके मेजर स्टेट है जहां पर क्या होता है, आपका टी प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, इन स्टेट में भी कुछ जगह पर आपका टी प्रोड्यूसिंग जो होता है वो किया जाता है। जैसे कि आपका एक आ जाएगा मेघालय, है ना, मेघालय में भी आपका टी प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर सारे के सारे यानी कि ऑल फोर स्टेट जो है उसका क्या है, आपका राइट आंसर है। तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। अब टी के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन आपका और आ गया था। अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है टी बोर्ड कि विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टी बोर्ड इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखिए टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किसके अंडर में है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये आपका है, लेकिन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बोला गया है तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि टी है, टी एक एग्रीकल्चर क्रॉप है, तो हम लोग शायद सोच लेते हैं कि यार टी बोर्ड है तो डेफिनेटली ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ही आएगा, और यही एक अजम्पशन जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो अगर हम ये फैक्ट को अच्छे से जानते हैं तो आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, नो, टी बोर्ड जो है वो आपका बेंगलुरु कर्नाटका में नहीं है, ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कहां पर आपका, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और नेक्स्ट आपका है टी बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस इन दुबई एंड मॉस्को, हाँ, इनके एक्स ऑफिस जो आपके अगर हम बात करें तो इनके दुबई और मॉस्को के अंदर जो फॉरेन ऑफिस हैं वो भी एस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि उन कंट्रीज में टी को प्रोडक्शन, टी के एक्सपोर्ट को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और इंडियन टी की जो क्वालिटीज है वहां पर लोगों को बताकर, वहां की कंपनीज को बताकर हम लोग उसको प्रमोट करवा सकते हैं और हमारे इंडिया से जो टी का एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए इन दो कंट्रीज में इन्होंने क्या किया हुआ है, आपके ओवरसीज या फिर आपके कह सकते हो फॉरेन ऑफिस को वहां पर डेवलप किया हुआ है। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये बिल्कुल सही हुआ, और ये भी आपका क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। तो 1 and 4 अगर कहीं है तो बिल्कुल सही है, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका हेड ऑफिस कहां है, कोलकाता में है, और जो रेगुलेटरी बॉडी है ये किसके अंडर में है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आपका एपिडा भी आता है, इसको भी आप लोग रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान रखना कि आपके जो हाई क्लाउड होते हैं वो थिन क्लाउड होते हैं और जो लोअर क्लाउड होते हैं वो थिक क्लाउड होते हैं, और याद रखना कि जो आपके नीचे के लोअर क्लाउड होते हैं वो आपके सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ के सरफेस को कूल करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये आपका बिल्कुल क्या हुआ, टर्म गलत हुआ। अगर यहां पर लोअर क्लाउड लिखा होता तो आंसर बिल्कुल सही होता, लेकिन ये पहली टर्म आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है लोअर क्लाउड है हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड थस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। बिल्कुल गलत है, यहां पर आपके हायर क्लाउड जो होते हैं वो ये काम करते हैं, यानी कि यहां पर जो हायर और लोअर क्लाउड है इनके फंक्शंस को आपस में क्या कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया, और फिर आपको जो है यहां पर ऑप्शन में इनको दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों ही टर्म क्या होती है, गलत होती है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है, और इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा गया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्टन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टीवेटर ऑफ फंगस। देखिए जैसे हम लोग ह्यूमन बींग क्या करते हैं, आपका क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रकार से
बहुत प्राइमरली अगर हम बात करें, बहुत पहले से अगर हम बात करें, तो आंट जो है वो आपकी सिम्बायोसिस रिएक्शन, आंट और फंगस का आपस में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखा जाता है। कुछ फंगस को ग्रो करने में, कुछ फंगस को कल्टीवेट करने में आंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने फूड के लिए। तो यहां पर इन दोनों का आपस में सिम्बायोसिस मास प्रोडक्शन जो होता है, और इसीलिए इसको यहां पर ऑब्जर्व किया गया था टेड स्कल्स के द्वारा, जिन्होंने आपके क्यूरेटर ऑफ आंट विद द इन्होंने क्या किया था आपके इन आंट के यूज करके, ये कौन सी आंट होती है आपकी लीफ कटिंग आंट होती है, इनको ग्रो करवाकर और आपकी फंगस को जो है यहां पर ग्रो करवाने का काम किया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इसलिए यहां पर इनको कल्टीवेटर ऑफ फंगस के नाम से आपका जाना जाता है। तो आंट यहां पर क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर पूछा गया है कि एक्सेस ऑफ विच ऑफ इन अबव इन द एनवायरनमेंट इज कॉज ऑफ एसिड रेन। अगर आप पांचवी और छठी क्लास में भी जानते हैं अच्छे से, अगर आपने साइंस पढ़ी है तब से ही आप सुनते हुए आ रहे हैं कि एसिड रेन के लिए एक तो नाइट्रस ऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही गैस आपकी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो यहां पर ये दोनों ही गैस जो होंगी वो राइट आंसर आएगा किसके लिए, एसिड के लिए। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये दोनों ही एसिड रेन के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एसिड रेन इन्हीं की वजह से अकर करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 and 4 आपका राइट आंसर यहां पर, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूएंट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। देखिए आपका एक होता है रियल सेक्टर, एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर ग्राउंड लेवल से वर्क होता है, समझ में आ रहा है? और ग्राउंड लेवल पे कहां वर्क हो रहा है तो जरा देखते हैं, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का सबसे बेसिक जो होते हैं, क्योंकि आपके फार्मर्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोला जाता है, समझ में आया? और नेक्स्ट आपका है टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक। डेफिनेटली ये भी आपका किससे रिलेट कर रहा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी से वर्क कर रिलेट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये भी आपका किस में जाएगा, रियल में जाएगा। लेकिन नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ए कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर में आपका कंक्लूड होगा। और नेक्स्ट है ए कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, ये भी आपका किस में आएगा, फाइनेंसिंग सेक्टर में आएगा। तो यहां पर राइट जो आपके रियल सेक्टर है इकोनॉमी के, वो दो आपके इंक्लूड हो रहे हैं, एक फार्मर हार्वेस्टिंग और एक टेक्सटाइल मिल, यानी कि जो ग्राउंड से रियल्टी से, ग्राउंड रियल्टी से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, आपका रियल सेक्टर कंसीडर करते हैं। और आपका सेकंड जो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारे किससे बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा, 1 and 2 आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? तो इसको आप लोग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन जो है वो एक पैसेज की फॉर्म में था, यानी कि एक तो आपका एक जीके का आपका पेपर होता है और एक आपका यहां पर क्या होता है, सीसेट का पेपर होता है। तो जीके में से इतने क्वेश्चन थे जो हमने अभी तक डिस्कस किए, और एक क्वेश्चन आपका सीसेट में दिया हुआ था, इसको जो है पैसेज की फॉर्म में यहां पर दिया गया था, और ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये पैसेज था। इसको एक बार पढ़कर और आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन आपके आए थे, ठीक है? और देखिए सीसेट में अगर आप लोग जाते हो तो यहां पर एक्चुअल में देखिए, अब बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करते हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आजकल इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जो है वो आपके कॉमन हो चुके हैं, तो उसी प्रकार से ये इंग्लिश का क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो। तो इसमें आपका पैसेज दिया गया था और इस पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पैसेज क्या है पढ़ते हैं एक बार, इन सम प्लेसेस इन वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टेपल्स सच एज राइस एंड वीट हैज रीच्ड एज एट ए प्लेटू, यानी कि कुछ वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कुछ जगह पर राइस और वीट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो चुकी है। आप सब लोग जानते हैं कि राइस और वीट की प्रोडक्टिविटी जो है आपके इंडिया में, चाइना में, हर जगह जो है इसकी काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, रशिया में है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नाइदर न्यू स्ट्रेन नोर फैंसी एग्रोकेमिकल, ना ही तो कोई नई वेराइटी और ना ही एग्रोकेमिकल आर रेजिंग द यील्ड, ना तो आपकी नई वैरायटी यील्ड इंक्रीज कर सकती है और ना ही आपका यहां पर केमिकल जो है वो यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। और क्यों बोल रहे हैं ये लोग, नोर इज देयर मच अनफ्रेम्ड लैंड लेफ्ट दैट इज सूटेबल टू बी बोट अंडर द प्लो, यानी कि ना ही कोई ऐसा अभी तक कच्चा लैंड बचा है जिसको हम लोग कल्टिवेशन के अंडर में लेकर आ सकते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ लैंड हमारा क्या आ चुका है, कल्टिवेशन में इंक्लूड किया जा चुका है। आगे क्या बोल रहे हैं,
इन ग्लोबल टेम्परेचर कॉन्टिन्यूस टू राइज सम प्लेसेस विल बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग. अगर टेम्परेचर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हमारा जो आपका फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमारे सभी के सभी लैंड क्या हो जाएंगे आपके, या फिर मोस्टली जो लैंड है, सभी के सभी तो नहीं लेकिन कुछ लैंड ऐसे हैं जहां पर कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस करना या फार्मिंग प्रैक्टिसेस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगला है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम. यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो डेफिनेटली इन प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ड्रिप इरीगेशन को यूज करते हैं तो आपकी वाटर की जो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं. प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर जो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में इस साल के बजट में इसको इंक्लूड किया गया था. तो समझ रहे हो इस बात को, बजट के अकॉर्डिंग यहां पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात की जा रही है और इस साल बजट में इसको प्रमोट किया गया था तो उसके रिलेटेड ही इसको प्रोवाइड करवा दिया, कहीं ना कहीं उसी के साथ रिलेट कर रहा है ये. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट, डेफिनेटली ये चेंज हो रही है. आगे क्या है, मच ऑफ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय एफ्लुएंट फार्मर इन वेस्ट अमेरिका. देखिए अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश हुई है, लेकिन क्या हमारे इंडियन कंट्री क्या इसको डेवलप नहीं कर रही है? डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन यहां पर केवल ये बोला जा रहा है कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी वो कहां से आ रही है, आपके वेस्ट से आ रही है, पश्चिमी देशों से आ रही है, यानी कि डेवलप कंट्री से आ रही है. टेक्निक डेवलप इन द वेस्ट आर बीइंग अडॉप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप एंड मोर प्रोडक्टिव. टेक्नोलॉजी इज लिटिल यूज इफ इट इज Not adapted. क्या बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो आपके वेस्ट के द्वारा डेवलप की गई उनको आपकी बाकी कंट्रीज के द्वारा भी अडोप्ट किया जा रहा है, और अगर हम टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं और उसको अगर यूज नहीं करते हैं, अडोप्ट नहीं करते हैं, तो वो कोई काम की नहीं है. तो यानी कि टेक्नोलॉजी को लाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम यूज करके और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को क्या करें, इंक्रीज करें. इसी के साथ आपका अगला लाइन यहां पर है, इन डेवलपिंग वर्ल्ड द अप्लाइज एज मच टू एग्जिस्टिंग फार्मर टेक्निक एज इट डज टू लेटेस्ट एडवांस इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन. क्या बोला जा रहा है यहां पर कि डेवलपिंग वर्ल्ड जो आपका आने वाला वर्ल्ड है उसमें हम लोग क्या सोच रहे हैं कि शायद जो आपकी, अब देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग करके क्या केवल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? नहीं. तो यहां पर आपका है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो एक आपका लेटेस्ट एडवांस है जिसको हम यूज कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए. नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग टू स्मॉल होल्डर एंड सब्सिस्टेंस फार्मर ऑफ अफ्रीका एंड एशिया द बेस्ट ऑफ टूडेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन such simple interest as how much fertilizer to apply when would lead to greatly इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ह्यूमिनिटी. देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पर, इसमें बोलने की कोशिश की है इन लोगों ने कि आपका एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग ये कंफर्म करें कि फील्ड में कितना फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कितना पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, कितना सीड अप्लाई करना है. तो ये कहीं ना कहीं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में बोल रहा है किसकी तरफ है, प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ. क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग में ही एक चीज पॉसिबल होती है कि कितना फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कितना अमाउंट ऑफ सीड हमें अप्लाई करना है, किस टेक्नोलॉजी को कहां पर किस प्रकार से यूज करना है, ये सारा का सारा हमारा प्रिसीजन फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, उस फार्मिंग में ही हम लोग इनको जो है आपका यूज करते हैं. नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें तो आगे है, सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी टू अलाउ फॉर द कैरीज ऑफ सरप्लस टू मार्केट एंड रिड्यूस द वेस्टेज. यानी कि आपकी अगर रोड को फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा तो मार्केटिंग फैसिलिटी को भी इंप्रूव किया जा सकता है, और जिसकी वजह से आपका जो स्पॉयलेज है, फूड प्रोडक्ट जो वेस्ट होता है, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज है चाहे डेवलप कंट्री है, उनको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है. तो इनके बिहाफ पर क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड. डेवलप्ड और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कॉन्फाइंड टू डेवलप कंट्री. ये बोल रहे हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो केवल और केवल डेवलप कंट्री में ही डेवलप की जाती है. क्या ऐसा है? नहीं. वहां पर उन्होंने बोला था कि मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कंट्री के अंदर आपकी एस्टेब्लिश हो रही है, लेकिन यहां पर यह नहीं बोला गया कि डेवलपिंग कंट्री कोई टेक्नोलॉजी को यहां पर जो है जनरेट नहीं कर सकती. आप देखिए अगर हम बात करें यहां पर तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो इंडिया के द्वारा डेवलप की जा रही है, तो डेफिनेटली यहां पर यह बोलना गलत होगा कि केवल डेवलपिंग कंट्री ही यहां पर आपका डेवलप कर रही है. तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज नॉट अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्री. क्या ऐसा है? उन्होंने ये बोला नहीं. उन्होंने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या कर रही हैं, इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं. देखो हमें प्रैक्टिकल लेवल पर हम बाद में जाएंगे, पहले हम पैसेज को पढ़ रहे हैं क्योंकि पैसेज में क्या बोला गया उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर हमें करना है. समझ में आ रहा है? तो उसके अकॉर्डिंग आपका दोनों ही टर्म यहां पर क्या है, गलत है. तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक है? तो क्योंकि करेक्ट पूछा गया था, वैलिड पूछा था, तो दोनों ही आपकी क्या है, वैलिड नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग. अगला क्वेश्चन आपका है,
पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक। डेफिनेटली ये तो वहां पर बोला गया है कि आपकी पुअर कंट्रीज अगर टेक्नोलॉजी में चेंज लेकर आती है तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। डेवलप कंट्री हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट देयर लेस फूड। क्या ऐसा बोला गया? नहीं, वहां पर बोला गया कि अभी भी रोड्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं ताकि स्पॉइलेज ऑफ फूड जो है वो क्या किया जा सके, वेस्ट को आपका कम किया जा सके। तो यहां पर ये टर्म क्या हुई, गलत हुई। तो आंसर क्या होगा, वन एंड ओनली। नेक्स्ट आपके अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हमारा यहां पर है, बेस्ड ऑन दिस पैसेज ग्रोइंग एनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी ए चैलेंज। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने यही तो बोला है कि आने वाले टाइम में अगर टेम्परेचर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस कुछ एरिया में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और डेफिनेटली उस केस में ये चैलेंज होगा कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए कैसे फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज की जाए। और नेक्स्ट आपका है, कॉर्पोरेट फार्मिंग इज वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज। क्या ऐसा कहीं मेंशन किया गया था कि आपकी कॉर्पोरेट जो आपकी फार्मिंग है उसको डेवलप किया जाए ताकि जो है आपका पुअर कंट्रीज में भी हम लोग क्या कर सके, फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सके? नहीं, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। तो ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी, आपकी बिल्कुल गलत। तो वन ओनली जो है यहां से भी आपका क्या होता है, राइट आंसर आपका निकल कर आता है। ठीक है, तो ये आपके यहां पर क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आए थे। यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़े, अच्छे से देखे और इनको समझ में भी आ गया होगा। और इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन जैसे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, गोल्डन मैसीर की बात करते हैं, क्योंकि ये गोल्डन मैसीर के रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक बार फिशरीज के, उसमें एक गोल्डन मैसीर का नाम लिया गया था। अगर आप वहीं से इसको पढ़ लेते तो शायद आपको इसका आइडिया हो सकता था। तो एक ये नहीं कह रहे हैं कि आपका यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो काफी डिफिकल्ट है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अगर हम देखें तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, नॉर्मल, और इनमें से कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन ईजी थे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। इनको आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता था अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको अच्छे से पढ़ा हुआ था, समझ में आया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा सेशन आपको समझ में आया होगा और यहां से आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये तो बताना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।